हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बल्लभगढ़ के अटल सेवा केंद्र में सरकारी सुविधाओं का विस्तार किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे लोगों को सरकारी फी पर सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनके लिए सरकारी कार्यालयों में लोगों को जाकर चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनवाए हैं। इन सेंटरों में सरकार की लगभग सभी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, चाहे वो पानी का बिल हो या बिजली का बिल हो, रिहायशी प्रमाण पत्र हो या रजिस्ट्री कराने से पहले लिया जाने वाला अनापत्ति पत्र हो, ये सभी सुविधाएं अटल सेवा केंद्रों पर लोगों को दी जाती हैं। इस मौके पर पार्षद दीपक यादव, पार्षद हरप्रसाद गौड़, पार्षद कपिल डागर, बल्लभगढ़ की एसडीएम आईएएस अपराजिता भी मौजूद रही। मनोहर जी का और मोदी जी का जो सपना था अटल सेवा केंद्र, जिसके सीएससी, जिसके अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक जो काम है सारे काम होंगे, चाहे शादी का प्रमाण पत्र हो या मृत्यु पत्र हो या वोट हो या पेंशन हो या आईडी हो या राशन कार्ड हो, कोई भी काम, ऐसा काम बचा नहीं है। एनओसी लेनी हो, जो अपनी एनओसी की जो शुरुआत करी है उसमें बार बार इधर उधर चक्कर काटते थे लोगों, 5 मिनट में आपको एनओसी मिलेगी और यहीं आपकी पेमेंट जमा होगी। ये सबसे बड़ा लाभ मिलेगा आम आदमी को, जो दर दर भटकता था, एक एक महीने आपके चैनल अखबार के माध्यम से सुनते थे कि एक आदमी को जाति प्रमाण पत्र या किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, अब उसमें देरी नहीं लगेगी, उधर भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, जहाँ भी उसको समय मिलेगा उधर भी अधिकारी हमारे बैठे हैं, एक इधर अधिकारी बैठे हैं,